स्वागत है सबका हमारे चैनल सादा माटा द सिंपल रेसिपी विद देसी तड़का में। हमारी शेफ है मीरा। चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं बच्चों की फेवरेट वाली चॉकलेट केक की रेसिपी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसे आप सबसे पहले देख पाए। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एग ले लिया है, 3 एग। थोड़ा सा हमें वेनिला एसेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है थोड़ा सा, और चॉकलेट केक बनाने वाले हैं तो यहाँ पे हम कोकोआ पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ऑल पर्पज फ्लावर ले लेते हैं यहाँ पे हम, यानी कि मैदा। थोड़ा सा पाउडर्ड सुगर का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैंने सैंड ले लिया है एक पतीले में, और उसको हम रख देते हैं गर्म होने के लिए। हाई फ्लेम में 15 मिनट से ज़्यादा गर्म करेंगे। एक पतीले में हम यहाँ पे एग फोड़ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप हमारे बच्चे के छोटे छोटे टाइनी हाथ और उंगलियाँ देख पाएंगे क्योंकि सारी रेसिपी में उसने हमें काफ़ी सारा हेल्प किया है। तो लीजिए, हम पहले एग्स को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। फेंटना हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे हम चीनी यानी पाउडर शुगर का इस्तेमाल करते हैं और इसको भी अच्छी तरह से एग में मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे कोकोआ पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट केक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप 1 से 1.5 चम्मच का कोकोआ पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। अब इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे हमारे बैटर के साथ। बैटर मिक्स हो जाए तो इसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा। मैदे को हम थोड़े थोड़े करके 2 या 3 हिस्सों में अलग अलग से देंगे और इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। तो लीजिए, इस तरह से हमने अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम बेकिंग पाउडर दे रहे हैं। बेकिंग पाउडर को भी हम अच्छी तरह से अपने बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे। लीजिए, बेकिंग पाउडर मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब इस्तेमाल किया है। लीजिए, अब इसके बाद हम दे देते हैं रिफाइंड ऑयल यानी कि वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल को भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे हमारे बैटर के साथ। लीजिए, अब इसके बाद आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब इसके बाद हम कोई भी पतीला ले लेंगे। कोई भी पतीले में हम जिस शेप का पतीला चाहे उस शेप का पतीला, जो भी पतीला हमारे घर में है अवेलेबल, वह पतीला ले लेंगे और अच्छी तरह से उसमें ऑयल को रब कर लेंगे और अच्छी तरह से उसको हम रब करने के बाद हमारा जो बैटर था उसको बैटर को हम इस तरह से इसमें दे देंगे। ऑयल अच्छी तरह से लगाना पड़ेगा वरना हमारा बैटर निकलना नहीं चाहेगा हमारा केक। तो लीजिए, हमारा जो गरम सैंड था उसके ऊपर इस बैटर को हम रख देते हैं। अच्छी तरह से सेट कर लीजिए और इसके बाद इसको हम एक ढक्कन से ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, पहले के 15 मिनट हाई फ्लेम में रखिए, उसके बाद फ्लेम लो कर दीजिए और ईच 5 मिनट के बाद आप इसे चेक करते रहिए। इसे काफ़ी सावधानी के साथ बनाना पड़ेगा क्योंकि हम कोई भी अलग केक पॉट या वेसल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसे रेगुलर चेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरफ से चेक कर लीजिए कि कोई भी बैटर लग रहा है कि नहीं। नहीं लग रहा हो तो रेडी है। तो लीजिए, हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हमने निकाल लिया है इसे एक बर्तन में। इसको गार्निश कर रहे हैं हम शुगर पाउडर से। शुगर पाउडर को इस तरह से हम अच्छी तरह से फैला लेते हैं हमारे केक के ऊपर। लीजिए, हो गया है। और इसके बाद हम चॉकलेट, कुछ चॉकलेट को हम इस तरह से घिस के हम इसके ऊपर डेकोरेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए, रेडी हो चुका है। लीजिए, अब काटिए और अपने बच्चों को दीजिए और वो बहुत ही मज़े से इसको खाते हैं। हमारे बच्चे को ये रेसिपी, ये केक बहुत ही पसंद है और वो बहुत ही मज़े से खाता है। तो दोस्तों,
आप भी अपने घर में बनाइए, अपने बच्चों को दीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपके बच्चों को कैसा लगा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे रेसिपी को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हैप्पी कुकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।